पता है मैं अपने लक्ष्य की ओर ठीक से जा रहा हूं, आंधी तूफान कुछ भी आओ, लेकिन अपने लक्ष्य में जैसे भी जाना है जाते रहेंगे। अपना लक्ष्य आखिरी समय संसार से जाना है तो हृदय में शत्रु को लेकर नहीं जाना है, आसक्ति को लेकर नहीं जाना है, चिंता को लेकर नहीं जाना है। ये सब अंतःकरण का मैल है, मैल के साथ जुड़कर नहीं जाना है। जागृत की सत्यता लेकर, सपने की सत्यता अथवा सुषुप्ति की मूढ़ता लेकर नहीं जाना है। इन तीनों अवस्थाओं को जो देखता है जानता है, तीनों अवस्थाएं आके बदल जाती है, फिर भी जो अबदल है वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और वो लक्ष्य सत्संग से बार बार परिपुष्ट हो, सुमरण से, सत्शास्त्रों के ज्ञान से बार बार पुष्ट हो, क्योंकि उस लक्ष्य से भटकाने वाली आंधी खूब चल रही है। वातावरण बहुत वातावरण नीचे ले जाने वाला है। अपने लक्ष्य को याद रखे और लक्ष्य के अनुरूप ही काम हो। लक्ष्य से विपरीत ले जाने वाली दोस्ती, लक्ष्य से विपरीत ले जाने वाली लालसा, लक्ष्य से विपरीत ले जाने वाला आकर्षण, लक्ष्य से विपरीत ले जाने वाला अपना कर्म और इरादा, उससे पिंड छुड़ाए। अपने अपने बल से छुड़ा सके, प्रार्थना के बल से छुड़ा सके, जप के बल से छुड़ाए, ईश्वर के सहयोग से, गुरु के सहयोग से, फिसलने से बचते चले जाए। और फिसलें तो फिसलाहट को याद करके, मैं तो फिसल रहा हूँ, अपने को दीन ही न मारा है। जितना भी फिसलाहट हो हरकत नहीं, फिर से पुरुषार्थ, फिर से पुरुषार्थ, क्योंकि एक धारा आपकी परमेश्वर से जुड़ी और दूसरी धारा विषयों से जुड़ी। तो आपका मन का मूल स्रोत परमात्मा है। बाहर कितना भी मिल जाए फिर भी मूल के तरफ आए बिना किसी को चैन नहीं पड़ती। कितना भी धन मिल जाए फिर भी संतोष नहीं होगा, कितनी भी सत्ता मिल जाए संतोष नहीं होगा, कितना भी रूप लावण्य सौंदर्य या पति पत्नी का मेल मिलाप हो जाए, लेकिन वहां टिक नहीं पाओगे। टिकने का तो मूल की जगह पर ही है, और जगह कोई टिका टिका नहीं था, टिका नहीं है और टिकेगा भी नहीं। कितना भी बाहर का सजा लो, एक से एक आविष्कार कर लो, एक से एक मित्र बना लो, एक से एक सुविधा बना लो, एक से एक छल कपट बेईमानी कर करा के बम बना बना के दुनिया को नाश करने का करके आप अविनाशी सुख का लक्ष्य बनाओ, संभव ही नहीं। धरती पर हम 7 बार मर सके, 5.5 करोड़, 550 करोड़ लोग मर मर के 7 बार मर सके, उतने बम बनकर तैयार है। फिर भी बाहर की चीजों से सुखी होने वाले निश्चिंत नहीं है क्या? एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से डर है, एक पार्टी को दूसरी पार्टी से डर, एक लॉबी को दूसरी लॉबी से डर, डर डर डर, ईर्षा ईर्षा, खिंचाव तनाव, क्योंकि लक्ष्य सत चित्त आनंद नहीं है, लक्ष्य असत जड़ और दुख रूप संसार है, इसलिए परेशानियां बढ़ती चली जा रही। जो जो इलाज करते मर्ज बढ़ते चले जा रहे। इनकम टैक्स से बचने के लिए युक्तियां खोजो, इनकम टैक्स को ज्यादा खींच खींच के पैसे इकट्ठे करो, फिर भी दुखी है। पैसे इकट्ठे करने वाले भी परेशान है और पैसे चुकाने वाले भी परेशान, नौकरी करने वाले भी परेशान हैं और नौकरी लेने वाले भी परेशान हैं। सबके सब असत जड़ दुख रूप संसार को संवार के सुखी होना चाहते, सब अपने मन की चाही करना चाहते, इंद्रिय विषय विकारों से सुखी हो जाएं, बाहर का सुख भीतर भरे और कोई अड़चन आए तो मिट जाए। उद्देश्य ही गलत है, लक्ष्य ही गलत है।
जितना भी नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, कामिंद्री के द्वारा तुम बाहर का अंदर सुख भरो, संतुष्ट नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। जो यत्नशील है, दृढ़ निश्चय है और आत्मा लक्ष्य जिसने बनाया, वो सतत संतुष्ट रहेगा। भोगी सतत संतुष्ट नहीं रह सकता है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय, रोग और संघर्ष नहीं हो। तो संसारी जीवन से भागना भी नहीं है और संसारी जीवन में डूबना भी नहीं है। संसारी जीवन का सदुपयोग करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो बस। नंगे पैर यात्रा करते करते निराश भी नहीं होना, लेकिन गाड़ी मिली तो उसको चिपक के बैठना भी नहीं। जब जो गाड़ी मिले, ऑटो मिली, साइकिल मिली, जो मिले पहुंचना वहां है। ऐसे ही जो भी साधन मिले पहुंचना है सत चित्त और आनंद स्वरूप आत्मदेव में। सब बदलता है फिर भी जो नहीं बदलता है, सब साथ छोड़ देते फिर भी जो कभी साथ नहीं छोड़ता है उस साथी से मिलना है। लक्ष्य बनाओ। पत्नी से भी इसी के लिए मिलो, पति से भी इसी के लिए मिलो, पति पत्नी मित्र समाज की सेवा भी उसी उद्देश्य से करो। लक्ष्य ऊंचा हो जाए और दृढ़ हो गए तो हंसते खेलते आप पा सकते, कठिन नहीं। और फिर संसार में भी आपको कोई कमी नहीं रहेगी। और लक्ष्य ऊंचा नहीं है, उद्देश्य ऊंचा नहीं है तो कितनी भी चतुराई करो, कितने भी कुछ करो, लक्ष्य न ओझल होने पाए। कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो लक्ष्य क्या है? मरना है, पक्की बात है। तो किसी चीज वस्तु का मोहताज होकर नहीं मरना। पत्नी कहाँ गई, बेटा ये कर दे, फलाना ये कर दे, कोई मेरा सदगति कर दे, है नहीं। अपना दिया आप, वो करे ना करे उनकी मौज है, आप अपना तैयार रखो। मुझे लगता है कि ये सत्संग आप के हित का आपको पहले अगली कैसेटों की अपेक्षा आज नया मिल रहा है कुछ है ना।